काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार रोज मेरा पढ़ाई कंसिस्टेंटली क्यों नहीं हो रहा है, रोज मैं 14 घंटे क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो टारगेट ले रहा हूँ वो अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर चाहते हो कि अचीव हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कभी किसी इंसान को हॉस्पिटल में देखा होगा तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि अगर किसी को आईसीयू में रखा जाता है तो आपने हमेशा देखा होगा कि वो लाइनें चलती रहती है कि वो जीवित है कि नहीं, जीवित है कि नहीं, ऊपर नीचे चलती रहती है, राइट। अगर वो लाइन अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाए तो इंसान मर जाता है। उसी प्रकार से अगर आप मान लो कि आप बोलो कि रोज मैं इस लेवल पे कंसिस्टेंट रहूंगा, सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, सब कुछ बराबर चले, स्ट्रेट चले, तो पॉसिबल नहीं है। आईसीयू में भी जब लाइन होती है तो ऊपर नीचे होती रहती है, क्यों? बिकॉज लाइफ इज लाइक दैट, प्रॉब्लम्स रोज आएगी, सिचुएशंस नहीं आएगी, बट हाँ आपको ये नीचे गिर के वापस उठना पड़ेगा। तो अगर एक दिन पढ़ाई कम हुई या ज्यादा हुई कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये चीज दिमाग में जरूर रखना है, जो मेरा फाइनल गोल है ना, जो विजन है, उसको किसी भी हाल में अकम्प्लिश करना है, चाहे जो हो जाए जी जान लगा देंगे सेटअप में। साम दाम दंड भेद, किसी के माई के लाल में दम नहीं कि आज रोक पाए, बट हाँ कुछ चीजें होगी कभी आपके फेवर में, कुछ चीजें होगी आपके नॉन फेवर में, तो उसका टेंशन लेने का नहीं, आपको अपनी जर्नी में रेस को कंप्लीट करना है, क्योंकि पास आप अपने लिए हो रहे हो, सिंपल सी बात है ना। तो ये मत देखो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। और अपना 100% देंगे यार, 100% दोगे कि नहीं बताओ यार, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अपना 100% दोगे कि नहीं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।